यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खबर अब गोंडा से है, जहां पर अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान पिछले दो दिनों से लगातार जारी है। आज भी पुलिस ने अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाकर 575 लीटर अवैध शराब बरामद की है और कुल 45 लोगों को मामले में गिरफ्तार किया गया है। 45 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, आबकारी विभाग ने ये कार्रवाई की है और आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई है। आबकारी विभाग और पुलिस की टीम सरकारी शराब की दुकानों पर छापेमारी कर रही है, नमूने लेने में जुटी हुई है। पिछले दो दिनों की अगर हम बात करें तो यहां 11,000 लीटर अवैध शराब बरामद की गई, जबकि कुल 88 लोग गिरफ्तार हुए हैं। साथ ही उनसे शराब बनाने के उपकरण भी मिले हैं, लहन भी नष्ट की गई है। जो है इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो है तमाम जिले में ऐसी खबरें आ रही हैं जो ये जो है इससे जो है सरकार जो है इस पर कड़ी कार्रवाई करके इसको बंद करावे। तो अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई चल रही है और अवैध शराब के खिलाफ जो अब सक्रियता दिख रही है उसके पीछे की वजह है लोगों की मौत होना जहरीली शराब पीने की वजह से। प्रदेश के अलग अलग जिलों में जहरीली शराब पीने की वजह से लोगों की मौत हुई, महकमे को जागना पड़ा। ऐसा नहीं कि प्रशासन या महकमा खुद से जागा है, जागना पड़ा, जगाना पड़ा, मौतों ने जगाया। अब जब एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है, तो पता चल रहा है कि प्रदेश में एक बड़ा नेटवर्क है। हजारों लीटर नहीं बल्कि लाखों लीटर लाहन को अब तक नष्ट किया जा चुका है प्रदेश में। कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, सिर्फ गोंडा की हम बात करें तो 88 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो यूपी में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद प्रशासन एक्शन में है, शहर शहर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। अवैध शराब के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, अवैध शराब को नष्ट करने का काम भी लगातार जारी है। और अब ये 8 तस्वीरों में आप देखेंगे तो एक्शन दिखेगा आपको इन तस्वीरों में। रायबरेली में जहां पर अवैध शराब के खिलाफ अभियान में पुलिस ने हजारों लीटर लहन को जमींदोज किया। दूसरी तस्वीर गोंडा की है, जहां पर 575 लीटर अवैध शराब को बरामद कर 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तीसरी तस्वीर नोएडा की है, यहां पर अवैध शराब की बिक्री की रोकथाम के लिए आबकारी विभाग ने ऑपरेशन येलो चला। चौथी तस्वीर झांसी की, यहां पर अवैध शराब के मद्देनजर हजारों लीटर लहन को नष्ट किया गया, 47 मुकदमे भी दर्ज किए गए, 51 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। सिद्धार्थनगर की अगर हम बात करें, सिद्धार्थनगर में अवैध शराब को लेकर कार्रवाई करते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया। छठवीं तस्वीर लखीमपुर खीरी की है, यहां पर पुलिस ने 24 अवैध शराब भट्टियां नष्ट की हैं, 764 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। आगरा की बात करें तो यहां पर पुलिस और आबकारी विभाग ने 500 लीटर कच्ची शराब जब्त की। तो उसी तरह अलग अलग हिस्सों में भी कार्रवाई हुई। प्रयागराज के फूलपुर इलाके के अमनिया गांव में उठी मातम की आवाजें तो लखनऊ के गलियारे में हलचल पैदा कर दी। नशे के घूंट ने कटक ली एक एक कर छह जा तो मच गया कोहरा। रात के इसी अंधेरे ने अधिकारियों की पेशानी पर परेशानी का पल्ला दिया और उठती हुई मैयतों ने पूछ लिया था सवाल कि कितनी जाने और। दरअसल 20 नवंबर की शाम को अमलिया गांव मातमी आवाजों से गूंज उठा था। गले को चीरती हुई शराब की धार दिल को ऐसा जख्म दे गई कि कई घरों के दीपक बुझते चले गए। अमलिया गांव की सरकारी शराब की दुकान पर धड़ल्ले से बिक रहा था जहर और उसी जहरीली शराब ने 6 लोगों की जान को ली लिया। आनन फानन में कार्रवाई का दौर शुरू हुआ तो सोया हुआ स्थानीय प्रशासन जाग गया और साथ ही जागा उनका जमीन और 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो वही 2 पुलिसकर्मी और 1 आबकारी अधिकारी पर काज भी गिर गए। प्रयागराज से दिल झकझोर देने वाली इस वारदात ने एक बार फिर से जिलों में जिल्ले लाही बनकर आराम फरमा रहे अधिकारियों की नींद को हवा कर दिया। फिर शुरू हुआ जिले दर जिले कार्रवाई का दौर। गोंडा में आराम परस्त अधिकारियों की नींद में प्रयागराज की चित्कार ने खलल डाल दी और फिर शराब की दुकानों पर छापे का दौर शुरू हुआ तो सारा खेल खोलकर सामने आ गया। गोंडा में पुलिस और अधिकारी शराब की दुकानों की खाक छानते रहे, सैंपल लेते रहे और साथ ही जगह जगह से इकट्ठा करते रहे अपनी लापरवाही के निशान। प्रयागराज शराब कांड के बाद जागा प्रशासन, गोंडा में शराब की दुकानों पर छापेमारी, पुलिस ने लिए शराब के नमूने।
शराब माफियाओं का हुआ भंडाफोड़। 565 लीटर अवैध शराब इस कार्रवाई के दौरान बरामद हुई। इसके साथ ही शराब बनाने के उपकरण भी बरामद हुए। आज पूरे जनपद में एक्साइज टीम के साथ हमारी पुलिस बल जो है सभी एक्साइज की दुकानें, संदिग्ध स्थान और जहां पर अवैध शराब या लिकर जो है इस तरह बिक्री की शिकायतें पूर्व में रही हैं, उन सभी जगह अभियान के तहत छापेमारी की जा रही है और इसमें उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पूरे जनपद में ये अभियान चल रहा है। फिलहाल पुलिस की इस कार्रवाई ने पुलिस की पोल खोल कर रख दी है कि प्रयागराज में हुए मौत के मातम से वो जागी, वरना शराब माफिया आराम से मौत का सामान तैयार कर रहे थे और पुलिस और प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ था। गोंडा में हुई कार्रवाई में पुलिस ने 42 लोगों को गिरफ्तार किया है। वही शराब बनाने की 10 अवैध भट्टियां तोड़ दी। 19 क्विंटल लहन पुलिस ने नष्ट किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोंडा की पुलिस ही आराम फरमा रही थी, आगरा की पुलिस भी आराम परस्त निकली और जब प्रयागराज में 6 लोगों की जान अवैध शराब ने ले ली तब जाकर पुलिस जागी और कार्रवाई की। 500 लीटर कच्ची शराब आगरा में जब्त की गई। दीवार में चुनवा कर रखी गई थी शराब। 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के कई सारे जिलों में अवैध तरीके से और कच्ची शराब बनने की खबरें आ रही थी और उसी क्रम में कई लोगों की मौत हुई है। इलाहाबाद में 6 लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई है। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को बेहद गंभीरता से लिया है और वहां के प्रशासन पर कार्रवाई की है। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाया है और उसी क्रम में आगरा के क्षेत्राधिकारी सदर महेश कुमार के नेतृत्व में आज शराब माफियाओं पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। 3 लोगों को थाना ताजगंज की पुलिस ने बसई खुर्द इलाके से अवैध तरीके से शराब बेचते हुए पकड़ा है। सुबह करीब 5 से 6 बजे के बीच आगरा के कई सारे थानों की फोर्स ने वहां रेड कंडक्ट की बसई खुर्द इलाके में, तो पता चलता है कि 3 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उनके घर में बड़े स्तर पर धौलपुर से लाई हुई कच्ची शराब को एकत्र किया गया था और वहां से वो बड़े स्तर पर पूरे शहर में उसकी सप्लाई हो रही थी। दरअसल आगरा पुलिस ने प्रयागराज कांड के बाद कार्रवाई की तो ताजगंज थाना क्षेत्र में बसई चौकी के पास अवैध शराब के कारोबार का भंडाफोड़ हुआ, जहां शराब माफियाओं ने दीवार में शराब चिनवा कर छिपा रखी थी। पुलिस ने दीवार तोड़कर 500 लीटर अवैध शराब बरामद की तो वहीं 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया। ये कार्रवाई जरूरी तो है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कई सांसें थम जाने के बाद ही कार्रवाई क्यों होती है और इससे पहले पुलिस प्रशासन सोता क्यों रहता है।